कक्षा 5 के बच्चों के लिए। बच्चों, आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर में पहले है मौखिक। पहला प्रश्न, कवि शक्ति क्यों मांग रहे हैं? इसका उत्तर है, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह करने के लिए। ख, कवि किनके संताप हरने की बात कर रहे हैं? इसमें संताप का अर्थ दुख, तकलीफ और हरने का मतलब दूर करना। तो प्रश्न है, कवि किनके संताप यानि दुख तकलीफ दूर करने की बात कर रहे हैं? उत्तर है, दीन दुखियों या गरीबों की। आगे ग, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? उत्तर है, हम अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों को, अपने कामों को अच्छी तरह से करके उनके देश के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं। यह प्रार्थना किसने लिखी है? किसने मतलब कवि का नाम पूछा गया है, तो कवि का नाम लिख लो, हो जाएगा उत्तर। आगे है लिखित। लिखित में पहला प्रश्न है, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना होगा? जीवन को सफल बनाने के लिए परोपकार या सेवा करते हुए अपने जीवन को जीना होगा। आगे प्रश्न है, कवि किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं? कवि छल, दंभ, द्वेष आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं। दीन दुखियों के कष्टों को कैसे दूर किया जा सकता है? दीन दुखियों के कष्टों को हम उनकी सेवा सत्कार से, उनकी सेवा करके, उनकी सहायता करके हम उनके कष्टों को दूर कर सकते हैं। घ, कवि किन बातों का ध्यान रखना चाहते हैं? कवि आन बान मर्यादा जैसी बातों का ध्यान रखना चाहते हैं। अंग, प्रार्थना का संदेश लिखो। प्रार्थना का संदेश है, मानव में दया, ममता, परोपकार जैसे गुणों का विस्तार करना। अर्थात कवि ये मानवीय गुणों का विकास हमारे अंदर करना चाहते हैं, यही इस कविता का संदेश है। भाषा से यहाँ विपरीतार्थक शब्द लिखने की बात कही गई है। उपकार का विपरीतार्थक शब्द है अपकार, सफल असफल, अन्याय न्याय, झूठ सच, जीवन मरण, सुखी दुखी। आगे दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। सेवक दास नौकर, प्रभु ईश्वर भगवान या परमात्मा, जग संसार जगत दुनिया विश्व, कोई भी एक दो शब्द लिख सकते हो। बलिदान कुर्बान अर्पण। तीसरा है वर्ण विच्छेद करो। शक्ति तालबश हलंत अ, क हलंत त हलंत ई, उसी तरह से प्रेम प हलंत र हलंत ए जोड़ म हलंत जोड़ अ। जन्म इसको इस तरह से तोड़ेंगे, ज हलंत जोड़ अ, न हलंत जोड़ म हलंत जोड़ अ। कर्तव्य
क हलंत जोड़ अ, र हलंत जोड़ त हलंत जोड़ अ जोड़ व हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ। निशिदिन न हलंत जोड़ ई जोड़ तालबश हलंत जोड़ ई जोड़ द हलंत जोड़ ई जोड़ न हलंत जोड़ अ। बलिदान ब हलंत जोड़ अ ल हलंत जोड़ ई द हलंत जोड़ आ जोड़ न हलंत जोड़ अ। आगे है कविता से पांच संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। इसे स्पष्ट करने के लिए अगला अभ्यास करते हैं। अगले अभ्यास में है संज्ञा की परिभाषा दी गई है। संज्ञा यानि किसी वस्तु स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा तीन प्रकार के हैं, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। तो इसमें तीनों को अलग अलग से समझाया गया है। पहला है व्यक्तिवाचक। इसकी परिभाषा है किसी विशेष व्यक्ति स्थान अथवा वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को, यहाँ पर पहला जैसे करके दिया गया है राधा। तो राधा एक विशेष नाम है। और दूसरा उसी तरह से अब हम लोग स्थान के में जाते हैं, जैसे दिल्ली। दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है जो विश्व में एक ही है। और इसके आगे हिमालय पर्वत या हिमालय, तो यह एक ऐसा पर्वत है जो कि विशेष है, विश्व में एक ही है। अतः इसमें तीन उदाहरण हो गए, राधा, दिल्ली और हिमालय। दूसरा है ख जातिवाचक, यानि जिसमें पूरी जाति का बोध होता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देश, यानि विश्व के जितने, अगर मैं ये बोलूँ देश, तो विश्व के जितने देश हैं उसका बोध होता है। आगे इसका उदाहरण, आगे उदाहरण होगा नदी। जैसे एक वाक्य मैं बनाऊं कि नदियां हमें जीवन देती हैं, तो सिर्फ मैं हमारे देश में जितनी नदियां मिलती हैं उनकी बात नहीं कर रही हूं, परंतु विश्व की जितनी नदियां हैं उनकी बात मैं कर रही हूं। सारी नदियां हमें जीवन देती हैं, नदियों के पानी से हमारा जीवन चलता है। आगे मानव, मानव के दो हाथ दो पैर होते हैं। अगर मैं ये एक वाक्य बनाती हूँ तो यहाँ पर पूरे मानव जाति की बात कह रही हूँ कि पूरे मानव जाति के दो हाथ दो पैर होते हैं। अर्थात ये मानव शब्द जो है पूरी जाति का बोध कराता है, अतः ये जातिवाचक संज्ञा हुई। तीसरा है भाववाचक, किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, भाव, धर्म, दशा आदि को का बोध कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव का अर्थ है गुण, धर्म, दशा। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया अभिमान, है ना, अभिमान या गर्व, ये हम देख नहीं सकते,
सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे एक वाक्य में बनाऊं कि उनकी दोस्ती या मित्रता, उनमें अच्छी दोस्ती है या उनकी मित्रता अच्छी है, तो ये दोस्ती या मित्रता हम देखते नहीं हैं, परंतु इसको हम अनुभव करते हैं। आगे है ये तीसरा उदाहरण हम दे सकते हैं, बचपन या बुढ़ापा। ये बचपन या बुढ़ापा ये मानव के दशा हैं, इनको हम देखकर अनुभव करते हैं कि यह उसका बचपना है, यह उसका बुढ़ापा आ गया है। लेकिन हम उन चीज़ों को हम पकड़ नहीं सकते, उन चीज़ों को सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें उदाहरण हो गए अभिमान, दोस्ती, बचपन या बुढ़ापा। तो ये है भाववाचक संज्ञा। बच्चों, इस तरह यह पाठ पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है। दोहराव करना और इसके जो काम है ये आप भाषा से अपनी कॉपी पर अच्छी तरह से लिख लोगे। यही आपका गृह कार्य हुआ।